वहीं जानते हैं क्या है ये बिजली संशोधन। बिजली संशोधन कानून 2020 वापस ले सरकार। ये हमारा धरना प्रदर्शन जो विद्युत कार्यालय हमीरपुर अणु के बीच में आयोजित किया गया था, उसको वहां पर कंक्लूड करके हम गांधी चौक तक एक रैली के रूप में यहां पर पधारे हैं। इस रैली का मकसद आप लोगों को ऊपर भी कह दिया गया है कि जो केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर बिजली क्षेत्र के ऊपर हमला बोल रही है, डिजिकरण का दौर उसने शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ आज उसी कड़ी के बीच में आज हमीरपुर के अंदर भी सुजानपुर, टौणी देवी, कक्कर, बड़सर, हमीरपुर के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनके साथ साथ हमारा जो पेंशनर है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वो भी इस कानून के खिलाफ आज सड़कों के ऊपर खड़ा हो चुका है। इस कानून के जो प्रभाव आने वाले समय के ऊपर अगर ये पास होता है वो सिर्फ न सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर ही नहीं, सेवानिवृत्त पेंशन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ जो विद्युत उपभोक्ता है उसके ऊपर भी इस तरीके की मार जो पड़ने वाली है। जा रहे इससे पहले श्री कमेश्वर शर्मा जी अपनी बात रखे। शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय कार्यकारिणी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जेके धीमान जी, हमीरपुर यूनिट के कार्यालय बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन हमीरपुर ने बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता के कार्यक्रम अणु के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन बिजली निजीकरण से कर्मचारियों व विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान के विरोध में किया गया। यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा, उप महासचिव जितेंद्र धीमान और उपाध्यक्ष नंदलाल की अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली कंपनियों के निजीकरण से इनका स्वामित्व निजी हाथों में चला जाएगा, वहीं छोटे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी और विद्युत आपूर्ति में दी जा रही सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित होंगी। बिजली बोर्ड यूनियन के कर्मचारियों ने अणु से लेकर गांधी चौक तक रैली निकालकर बिजली संशोधन कानून 2020 वापस लो, केंद्र प्रशासित प्रदेशों व राज्यों में सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देना बंद करो के नारों से गूंज उठा। धरने प्रदर्शन में हमीरपुर यूनिट अध्यक्ष सुशील शर्मा, सचिव राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष कृष्ण पाल, संदीप शर्मा, सुभाष चंद, अमर सिंह, नंदलाल, राजकुमार और मुनीश कुमार। तमाम हिंदुस्तान के बिजली बोर्डों को तोड़ दिया गया। उड़ीसा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए तो सीधा प्राइवेट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी इंजीनियर लड़ते रहे और 2010 में जाकर के इसका पुनर्गठन हुआ। उस पुनर्गठन का जो मकसद था वो केंद्रीय ग्रांट को लेने का था। हम साफ कह देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने किस मंशा से राज्यों के बिजली बोर्डों को तोड़ा था, प्राइवेट चैंपियन के हवाले किया था, वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ और आज 2014 से लेकर के आज तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट से का बिल ला रही है कि जिस से जो कॉरपोरेशन बनी है या क्या हिमाचल जैसे प्रदेश में आज भी तमाम आपका जो बिजली बोर्ड है एक छाते के नीचे काम कर रहा है उसको तहस नहस करके, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तहस नहस करके
प्राइवेट लालों के हवाले किया जाए, जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएगी वो इस बिजली का जो है वो ऑन करें। हम साफ कह देना चाहते हैं कि आपने 2003 में ये कहा था कि बिजली बोर्डों का बहुत से घाटे हैं, इसलिए बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करना जरूरी है, और उन्होंने उनका निजीकरण और निगमीकरण किया। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इन 15 सालों में ही दोबारा एक और पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक लाना पड़ा, और जिससे जो निगमीकरण है उसको निजीकरण की तरफ ले जाना पड़ा। साथियों, साफ मंशा है केंद्र सरकार की कि जिस मकसद से बिजली बोर्डों को तोड़ा गया था 2003 में, जो कानून लाया उससे वो रास्ता साफ नहीं हुआ कि जो अपने चेते बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उतारा जा सके। इसलिए बड़े बड़े धंधा सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अब फिर एक बिल ला रही है, और उसके माध्यम से इन बिजली बोर्डों का, इन कारपोरेशनों का भी गठन करने जा रही है। हम साफ कह देना चाहते हैं, आपने 2003 में हमारे से वादा किया था कि जो घाटा है उसकी भरपाई के लिए बिजली बोर्डों को जो है वो भंग किया जा रहा है। लेकिन आज अगर हम जैसे उस वक्त की हालात को देखें, जो वित्तीय परिस्थिति थी, 30,000 करोड़ का घाटा उस वक्त तमाम बिजली बोर्डों का था, आज वो 8,00,000 करोड़ को पार कर गया है। तो जिस मंशा से आपने वो बिल लाया था उससे बिजली बोर्ड कारपोरेशन प्रॉफिट में नहीं गई बल्कि उल्टा घाटे में गई है, और वो घाटा इसलिए हुआ कि आपने उड़ीसा और दिल्ली जैसे में जो आपने सीधा निजीकरण किया था वहाँ आपका वो फार्मूला फेल हो चुका है, वहाँ का कंज्यूमर हमारे से, वहाँ का कर्मचारी हमारे से बात करता रहता है। इसलिए इस बिल में जो आपने प्रावधान किया है, आप ये कह देना चाहते हैं, पहले आपने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वह लागत कॉस्ट कम है, वह आप चैंपियन को लाना चाहते हैं, जो प्राइवेट चैंपियन वह आएगा। लेकिन जो आपका डोडरा कुंवार जैसा स्टेशन है, आपका रामपुर जैसा सर्कल है, आपका रोड जैसा सर्कल है, वहाँ लाइन लॉसेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ अगर एक पोल गिरता है, अगर वहाँ पर पड़ती है तार टूटती है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी 1,000 रुपये खर्च आता है। आप ये चाहते हैं कि जो एक सरकारी कंपनी रहेगी वो उसकी मेंटेनेंस करे, वो उसको देखे, उसके बाद उस लागत कॉस्ट से उस कंज्यूमर से बिल लेंगे। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि रोडू रोड अखबार जैसे क्षेत्रों में लोग बिजली का बिल भर पाए। इसलिए आज हम ट्रांसपोर्ट की परिस्थिति देख रहे हैं, दिसंबर महीने का वेतन 29 जनवरी को मिल रहा है। साथियों, हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं यही परिस्थिति ये सरकार इस बिजली बोर्ड में भी लागू करना चाहती है। हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं, अगर एक कंपनी कोई गवर्नमेंट, तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।